जी मैं नहीं है गैस वर्ड्स इनसाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में खोलेंगे ओपन के DD2605 को और देखेंगे कि अंदर क्या है और ये सिस्टम इतना हैवी क्यों है। और अगर आपको ये सिस्टम परचेस करना तो मैं डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले उन भाई को जिन्होंने 1000 डिसलाइक वाला कमेंट दिया था DT51 के वर्ड्स इनसाइड पे, तो भाई मैं ना ही कोई प्रोफेशनल हूँ और ना ही मैं कोई इंजीनियर हूँ, ना ही मैं कोई टेक्नीशियन हूँ। तो जितना सर्किट को देख के समझ में आया, जो पार्ट्स को देख के समझ में आया, मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। तो आप अपनी जगह सही हो कि हाँ सही बात है जो भी कमेंट आपने डाला था, बट एक चीज़ सुनो भाई, आपको नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी यार। कोई भी अकाउंट से डिसलाइक मार सकते थे या कमेंट कर सकते थे, तो जरूरत नहीं है उतना मेहनत करने का यार। अपना चैनल ओपन है भाई, आपको जिसको अच्छा लगता है तो वो कमेंट कर सकता है, जिसको बुरा लगता है वो भी कमेंट करता है, तो ये सब चलता रहता है और मैं सीखते रहता हूँ आप सभी से, तो आप सभी मैं सीखा हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो जो है बना रहा हूँ और मैं कोशिश करूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा मे भी, क्योंकि काफ़ी मेहनत की इस वीडियो में भी। बट ठीक है, अगर पसंद आए तो बस कमेंट करके बताना क्या मिस्टेक कर रहा हूँ और क्या मैं मिस कर रहा हूँ, तो मैं आगे के वीडियोज़ में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो डीमोटिवेशन के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और डीमोटिवेट नहीं हुआ मैं, मोटिवेट हो गया उल्टा। तो चलो ठीक है, तो थैंक यू भाई। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो कि ना ही हमने किसी भी ब्रांडेड सिस्टम के वर्ड्स इनसाइड में देखी होगी पहले, और ना ही ओबेस के किसी सिस्टम में देखी है, और ना ही इसके बारे में आपको कोई बताएगा। तो सबसे पहले स्पीकर खोलते हैं। यहाँ पे 3 इंचेस के 2 स्पीकर्स हैं, कुछ खास नहीं है देखने में, और देखे टिपिकल स्पीकर लग रहा है, कुछ वैसा नहीं लग रहा है जैसे हम लोग FNDK के स्पीकर्स या दूसरे किसी स्पीकर्स में देखते हैं। फिनिशिंग एकदम तगड़ी वाली, वैसे कुछ नहीं लग रही भाई, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो देखने में भी वैसे ही लग रहा है। तो बट ठीक है भाई, वी विल ग्रो और वी विल बिकम मोर बेटर देन दिस। ओके मे बी अपने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी एकदम तगड़े स्पीकर्स बनाएंगे काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग के साथ, और वो दिन दूर नहीं भाई, जल्दी बनेगा वो भी। तो कुछ काल स्पीकर नहीं है, स्पीकर्स के बारे में कुछ बताएगा फायदा नहीं। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का एक मन में डाउट आता होगा कि भाई 3 इंचेस के 2 स्पीकर्स क्यों लगे हुए हैं। तो भाई 3 इंचेस के स्पीकर्स लगाने का एक ही कारण मुझे लगता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना हेवी बेस है, ज़्यादा बेस है, और एक 3 इंच का स्पीकर इसके वोकल्स को वो बैलेंस नहीं दे पाता जो कि हमें एक सिस्टम से चाहिए, जिसकी वजह से मुझे लगता है इन्होंने 3 इंचेस के 2 स्पीकर्स इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से थोड़ा जो सिस्टम हुआ बैलेंस हुआ, इसके वजह से 3 इंचेस के 2 स्पीकर्स लगे हैं ना ही एक। अब ट्विटर को खोलते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 2.5 इंचेस का ट्विटर है, वही DT51 वाला जो कि 53 mm के साथ आता है, और इस पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि एक पैसिव बिल्डर का काम करता है। मतलब ये कि कैपेसिटर्स ना सारे लो फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक करता है और सिर्फ हाई नोट्स या ट्रेबल की फ्रिक्वेंसी को ही ट्विटर को इनपुट देता है, जिसकी वजह से जो साउंड है, जो साउंड सेपरेशन है ना, वो बेहतर होती है और हम इजिली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये ट्विटर से ट्विटर मतलब हाई नोट्स आए और यहाँ ये स्पीकर से वोकल्स आए। तो ये अच्छी एक बात है मतलब इन सिस्टम्स की, कि भाई स्पीकर और ट्विटर अलग अलग रहते हैं। काफ़ी सिस्टम्स होते हैं जो स्पीकर्स में ही ट्विटर को घुसेड़ देते हैं, तो वो अलग होते हैं भाई, इनकी साउंड इसलिए अच्छी होती है। साइड पैनल खोलते हैं। साइड पैनल सेम DT51 वाला है, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, बस जो कंट्रोलर्स है वो ब्रास के हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए हम पीछे की तरफ खोलते हैं। कैबिनेट देखो 11 mm मोटा है, जो कि एक टावर स्पीकर के हिसाब से काफ़ी स्टैंडर्ड है। ये है हीट सिंक, जो कि काफ़ी हेवी लग रहा है, और हेवी होना भी चाहिए क्योंकि अगर हीट सिंक कमज़ोर हुआ या सही ना होता
तो वो सिस्टम की जो हीट है ना उसको सही से रिलीज नहीं कर पाएगा, और जो आइसेस है वो ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और आपके साउंड चेंज हो जाएंगे, मतलब सिस्टम की जो साउंड है ना वो चेंज हो जाएगी। तो अगर साउंड ज़्यादा देर तक सुनना चाहते हो तो एक सिस्टम के हीट सिंक का बेटर होना ये काफ़ी ज़रूरी है। तो देखना अगर हीट सिंक बड़ा हो बेहतर हो तो वो आपको लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी मदद करेगा। DT51 में मैं आपको आइसिस नहीं दिखा पाया था, इसलिए इस बार एक दोस्त के पास सिंगल टावर को लेके गया था और आइसिस आप देख लो। 2050 के दो आइसिस हैं, स्पीकर्स और ट्विटर के लिए जो कि 35 वाट्स के हैं, और दो 7294 आइसिस हैं जो कि ऊपर के लिए हैं जो कि 100 वाट्स के हैं। तो जो सिस्टम है भाई 270 वाट का आईसी घुसेड़ के रखे हैं इन लोगों ने। अब जो व्हाइट फ्लूइड देख रहे हो इसको कंपाउंड पेस्ट बोलते हैं, ये आईसी से हीट सिंक को हीट ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। अब सोच रहे होंगे कि 270 वाट का आईसी क्यों लगा हुआ है, तो ऐसा है। अच्छा चलो फिर रुक जाओ, उसको बाद में बताता हूँ। ओके ये बाद में बताऊँगा, मेरे समझ नहीं पाओगे। अब ये बोर्ड देखो, ये DT51 से थोड़ा अलग है। ये जो कैपेसिटर्स है ना ये एक फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, होता क्या है जब बेस आती है अचानक से तो सिस्टम को कुछ मिलीसेकंड्स के लिए ना पावर ज्यादा चाहिए होती है, और ये जो कैपेसिटर्स है ना ये पावर को स्टोर करते हैं, और जब बेस की पीक आती है तो ये पावर को रिलीज कर देते हैं। तो कैपेसिटर्स जितना बेटर हो उतनी अच्छी बेस और साउंड मिलती है। तो मेरे समझ भाई समझ गए, अब नहीं बताऊंगा। आपने अगर मेरी DT51 की वर्जन साइट देखी है तो आपको ये बोर्ड अलग लग रहा होगा, क्योंकि DT51 में चारों आईसी सेम 2050 के थे, और बट यहाँ पे दो तरह के आईसीज हैं, इसलिए ज़्यादा कैपेसिटर्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ज़्यादा कैपेसिटर्स लगे हैं। 100% यही कारण होगा भाई, और कोई कारण नहीं है। इसके ट्रांसफॉर्मर्स देखो भाई, इसी का 2.5-3 किलो वेट है, काफ़ी हैवी है, DT51 से भी हैवी है, शायद इसी वजह से सिस्टम भारी हो गया है। अगर आप FM के दीवाने हो और आपको FM सुनना काफ़ी पसंद है और एक आप FM सुनने वाला सिस्टम भी चाहते हो, तो ये सिस्टम की FM रिसेप्शन काफ़ी तगड़ी है, और इसका एक कारण है ये ट्रांसफॉर्मर। मैंने वीडियो को शुरू में आपको एक बात बोली थी, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो कि ना ही हमने किसी वर्ड्स इनसाइड में देखी होंगी, और ना ही आपको कोई बताएगा, और ना ही आपने कहीं सुना होगा। और इसका क्रेडिट मेरे दोस्त को जाता है जिसने आईसीयू खोलते वक्त मुझे ये सारी चीज़ें बताई थी। तो थैंक यू भाई, फिर से आऊंगा तुम्हारे पास। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए ऊपर खोलते हैं। ऊपर को देखिए, ये काफी अलग है। जैसे हमने T60X के ऊपर को देखा था ना, वो स्मूथ था, बट ये रफ है और काफी हैवी भी है। इस सूफर की जो कोन है ना वो अलग है, जिसके वजह से जो बेस है इतनी डीप आ रही थी। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे 100 वाट का आईसी सूफर के, और उसका कारण यही है कि ये जो रफ कोन वाले सूफर्स होते हैं ना इनको पावर ज्यादा चाहिए होती है। इसके कोन को टच करोगे ना तो समझोगे कि ये दूसरे सूफर से अलग क्यों है, और इस सूफर को ना हिलाने के लिए भी पावर ज्यादा चाहिए होती है, जिसके वजह से 100 वाट का आईसी लगा के रखे इस कंपनी ने। तो उम्मीद है अब आप इस सिस्टम के बारे में जान गए होंगे, जैसे कि दो स्पीकर्स क्यों लगे हैं, ये ऊपर अलग तरह का क्यों है, 270 वाट्स का आईसीस क्यों है, इतने सारे कैपेसिटर्स क्यों है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जो है लाइक करके जाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की वीडियोज के लिए। भाई एक और वर्ड्स इनसाइट बनाऊंगा, और आप बताओ उस कौन से सिस्टम में, वो कौन सा सिस्टम आने वाला, वर्ड्स इनसाइट किसकी आने वाली, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।